इधर अमृतपाल सिंह के 11 साथियों को आज बाबा बकाला की अदालत में पेश किया जाएगा, जिनकी आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। भगौड़े अमृतपाल के पकड़े गए 11 साथियों को पंजाब पुलिस ने 18 मार्च और उसके बाद लगातार कार्रवाई करते हुए पकड़ा था, जिनको अमृतसर की बाबा बकाला अदालत में पेश कर पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी। इन सभी पर अमृतपाल को भगाने में मदद करने का आरोप है। कि जिहड़ी ब्रेजा कार दे विच अमृतपाल सिंह उत्थों दौड़िया सीगा मौके तों, वह ब्रेजा कार रिकवर हुई है, जिहड़े चार बंदियां ने भज्जण दे विच मदद कीती सीगी। इससे पहले पुलिस एक ब्रेजा कार भी जब्त कर चुकी है। अमृतपाल उसे सड़क किनारे छोड़कर भाग गया था। पुलिस के मुताबिक फरार होने के सिलसिलेवार क्रम में अमृतपाल ने अब तक मर्सिडीज कार, ब्रेजा कार, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है। पुलिस पिछले 6 दिन से उसे लगातार तलाश रही है। 18 मार्च को अमृतपाल के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और पुलिस का दावा है कि अब तक पुलिस ने अमृतपाल से जुड़े 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले आप नहीं, पहले हम करके दिखाएंगे। आज लखनऊ ही नहीं, पूरे यूपी का कुछ ऐसा है मिजाज। अब विकास की दौड़ में क्या सीएम योगी का उत्तर प्रदेश बनेगा देश का सबसे उत्तम प्रदेश? देखिए लखनऊ अधिवेशन 26 मार्च सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। गठन और मजबूत ना हो सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन और रूस की ये कोशिश नेटो से ज्यादा अमेरिका को रोकने की है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका इन दोनों देशों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो यूक्रेन का साथ देकर रूस की आंखों में चुभ रहा है, तो ताइवान के साथ खड़े होने पर उसे चीन से चुनौती मिल रही है। इसी वजह से चीन और रूस नेटो के बहाने अमेरिका को कमजोर करने की फिराक में है, क्योंकि माना जाता है कि अमेरिका ही इस संगठन का अगुआ है और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उसी के इशारे पर काम करते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजराइल की इस एयर स्ट्राइक से एलेपो एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हालांकि इस हवाई हमले के बारे में इजराइल की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस हमले से पूरा एलेपो शहर दहल गया। लड़ाकू विमानों से किए गए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के वक्त एलेपो एयरपोर्ट पर मिसाइलों के गिरने के बाद वहां कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाके की वजह से वहां तेज रोशनी के साथ आग का बवंडर उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि भूमध्य सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एलेपो एयरपोर्ट को निशाना बनाया। टारगेट को तबाह करने के लिए इजरायली फाइटर जेट ने एक के बाद एक कई मिसाइलें बरसाई, जिनमें एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने सीरिया के एलेपो शहर पर धावा बोला है। इससे पहले 8 मार्च को भी इजराइल ने एलेपो में मौजूद एक रिहायशी इमारत को अपनी मिसाइल से तबाह कर दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इसराइल ने जिस इमारत को निशाना बनाया था, उसमें चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के कई लड़ाके रह रहे थे, जिसकी भनक लगते ही इसराइल की सेना ने उन पर धावा बोल दिया था। इसराइल की उस एयर स्ट्राइक की वजह से एलेपो एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा था। इसराइल का आरोप है कि भूकंप प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की आड़ में ईरान सीरिया में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के लिए हथियार जमा करने में जुटा है, और इसीलिए इसराइल ने एक बार फिर सीरिया में घुसकर एलेपो एयरपोर्ट पर मिसाइलें बरसा दी।